यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध दिन पर दिन भयावह रूप लेता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार को तैयार रखने का आदेश दे दिया है। ऐसे में यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। वहीं भारत सरकार भी यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी का अभियान तेजी से चला रही है। रूस और यूक्रेन के बीच पांचवें दिन भी जंग जारी है। उधर ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम लगातार शुरू है। बता दें कि 249 भारतीय नागरिकों के साथ सोमवार सुबह एयर इंडिया की पांचवी निकासी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया की 1942 फ्लाइट भारत के समय अनुसार बुखारेस्ट से 12:30 दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जो सोमवार सुबह करीब 6:30 दिल्ली पहुंची। 3 दिनों में अब तक 1,156 भारतीय यूक्रेन से सकुशल वापसी कर चुके हैं। आइए सुनते हैं यूक्रेन से अपने वतन वापस लौटे लोगों की जुबानी, क्या रहा इन दिनों उनका अनुभव और किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। हमारे कम से कम 800 बच्चे वहाँ पे हैं स्टक, जिसमें से अभी 124 स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं और थ्रू इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भी करीब 84 के करीब आ गए हैं। जो स्टूडेंट बॉर्डर क्रॉस करके हंगरी और स्लोवाक, रोमानिया और पोलैंड यहाँ पहुँच रहे हैं, इनको तो मदद मिल करके ये लोग वापस आ पा रहे हैं, लेकिन हमारी चिंता उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कीव और खारकीव में फंसे हुए हैं। उनके पास खाना पीना ख़त्म हो गया है, वहाँ अगल बगल बम के धमाके चल रहे हैं और जो बॉर्डर पर पिछले 2 दिन से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं रोमानिया के, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल के दौरान उनका खून जम गया है, तो हमारे उनके लिए बहुत चिंता। तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही है, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ रहा है सबको, और फायरिंग हो रही है चारों तरफ, बम मिसाइलें दागी जा रही है, और मतलब सारे बच्चे हैं बहुत से ज़्यादा डरे हुए हैं, और उनको मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बॉर्डर किसी को क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा। जैसे रोमानिया पे हम वहाँ से आए हैं तो वहाँ 2-3 दिन से खड़े थे सारे लड़के, और फिर यहाँ पे मतलब बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। एम्बेसी ने सब कुछ सही किया है, मतलब एक बार क्रॉस करने के बाद यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ क्रॉस करने में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कई लड़के बेहोश हो रहे हैं, उनको खाना पीना भी मतलब ठीक से नहीं मिल पा रहा है। बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद से लेके यहाँ तक हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत हमें सामना नहीं करना पड़ रहा। बाकी बॉर्डर पे सिचुएशन अभी इसलिए ख़राब है कि 2-3 दिन से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ, तो उस वजह से जो भारतीय दूतावास है वो सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे। बाकी उसके बाद आगे निकलने के बाद भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का हमें इतना अच्छा साथ मिल रहा है, वो वाकई वाकई में काबिल है। एन इंडियन एम्बेसी रियली हेल्पिंग अस, लाइक एट द बॉर्डर यूक्रेनियन आर्मी सेज इफ यू आर इंडियन यू आर अलाउड टू गो इनसाइड, इफ यू आर नाइजीरियन एंड यू आर फ्रॉम पोलैंड यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। सो वी फील प्राउड दैट वी आर इंडियन एंड वी आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स, बट सम ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टक देयर, सो दे आर रियली नीड योर हेल्प। वहीं बताते चलें कि भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाने के लिए मोदी सरकार के 4 मंत्री अब यूक्रेन जाएंगे। पीएम मोदी ने तय किया है कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा, जो भारतीय लोगों और छात्रों को निकालने में मदद करेंगे। जिन मंत्रियों को भेजा जा रहा है उनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।